सुजानपुर विधायक झूठ की राजनीति करते हैं, विधानसभा चुनाव में उनके झूठ का पर्दाफाश होगा। यह बात सुजानपुर भाजपा मंडल अध्यक्ष वीरेंद्र ठाकुर, भाजपा सचिव प्रकाश सुडयाल, शहरी महासचिव सुधीर भटनागर ने विश्राम गृह सुजानपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कही। भाजपा नेताओं ने विधायक पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जिस संपर्क मार्ग का उन्होंने बीते कल आनन फानन में बिना किसी को बताए चोरों की तरह उद्घाटन कर दिया और बाद में यह बोला कि इस संपर्क मार्ग के लिए उन्होंने बजट का प्रावधान किया है, यह बात पूरी तरह से झूठ है। उन्होंने दस्तावेज दिखाते हुए बताया कि इस संपर्क मार्ग को विधायक प्राथमिकता में सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के उस समय के विधायक नरेंद्र ठाकुर ने डलवाया था और बजट का प्रावधान भी किया था। वर्तमान में सुजानपुर विधायक ने आधे अधूरे बने संपर्क मार्ग का उद्घाटन कर दिया, जो यह दर्शाता है कि विधायक पूरी तरह से बुखलाए हुए हैं। उनके पास अपना किया हुआ लोगों को दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। इसके चलते वो भाजपा के द्वारा करवाए कार्यों का श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा पदाधिकारियों ने विधायक को खुले मंच में चुनौती देते हुए कहा कि 3 वर्ष के कार्यकाल में उन्होंने सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में क्या किया है, जनता के सामने रखें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उन्होंने झूठे वादे करके 2017 में विधानसभा चुनाव जीता था, वह झूठे वादे कब पूरे होंगे यह भी एक बहुत बड़ा झूठ है। सुजानपुर शहर को सेक्टर 17 बनाने की बात हो या फिर विकास कार्य करवाने की, केवल झूठ और झूठ बोलकर ही वाहवाही लूटी जा रही है। उन्होंने कहा कि विधायक का असली झूठ अगर किसी ने देखना हो तो वह चमियाणा पंचायत में जाएं, जहां पर उन्होंने खेल मैदान बनाने के लिए लाखों रुपए खर्च कर दिए, लेकिन उस खेल मैदान में बैट बॉल खेलना तो दूर, गुल्ली डंडा तक नहीं खेला जा सकता। उन्होंने बताया कि विधायक राजेंद्र राणा को सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता ने जनादेश देकर जिताया था, इसलिए वह क्षेत्र का विकास करवाएं, अगर उनसे विकास नहीं होता तो त्याग पत्र दें, हम विकास करवा कर दिखा देंगे कि किस किस तरह से क्षेत्र का विकास होता है। जो कार्य भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने किया उसका श्रेय लेने की कोशिश वो ना करें, ना लोगों को भ्रमित करें, ये मेरे में। और जो उन्होंने वायदा किया था चुनाव से पहले मैं सुजानपुर विधानसभा को सेक्टर 17 बनाऊंगा, वो हम उनसे पूछना चाहते हैं, उन्होंने पिछले 3 साल से जो विधायक निधि है वो कहाँ खर्ची है। और जहाँ तक हम गाँव में जाते हैं तो लोग बोलते हैं अपने खेतों में वो राशि बांट रहे हैं, तो एक ही निवेदन है, कृपया वो अपना एक भी जो उन्होंने 3 साल में कार्य किया वो लोगों के बीच में बताएं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का श्रेय खुद ना दें। मेरा यही आपसे आज ये कहना था, उनका श्रेय खुद ना दें। हम उनसे पूछना चाहते आपने क्या किया है। माननीय विधायक जी ने एक आपके ध्यान में है, पहले भी हम आपके ध्यान में लाए थे, एक खेल मैदान बना रहे थे वो, और उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था, और आज दिन तक उस खेल मैदान में मुझे नहीं लगता गुल्ली डंडा को खेल सकता हो। जो जमीन थी थोड़ी बहुत जो पशु घर चलते उसकी काबिल नहीं छोड़ी उन्होंने। और हमारे से बोलता भारतीय जनता पार्टी ने सुजानपुर में कोई काम नहीं किया, विधायक वो हैं, जिम्मेवारी उनकी है, और अगर उनसे काम नहीं होता तो हम ये होते आप उन त्याग पत्र दें, हम काम करते हैं। जैसे सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र की बात है, सड़कों की बात कर रहा हूँ मैं आज, तो हमारे ध्यान में आया एक हमारे एडवोकेट नरेश जसवाल जी होते थे, वो पार्टी से काफ़ी देर से नाराज चले थे, उनको ये भाई हमें पार्टी का टिकट दो, और जिला परिषद के उन्होंने प्रयास किए थे चुनाव लड़ने के लिए, पार्टी वो अपना मापदंड देती है कौन जिताओ कैंडिडेट वो देती है, उस मापदंड पे वो ठीक नहीं उतरे थे और इसलिए उनको उससे वंचित हुए, तो वो इनके मन में गुस्सा था शायद उसी के लिए। और आपको पता ही यहाँ के विधायक उसको कैश करने में पीछे नहीं रखते हैं। बाकी आज भी उन्होंने कोशिश की है, वो जगह तो उन लोगों से मेरी बात हुई है, बोले आप हमें ऐसे जब से उन्होंने पटका पहना दिया है, तो उसकी क्लिप हमारे पास है, अगर वो तो हम आपके माध्यम से उसको लोगों के बीच में दिखा सकते हैं, तो ये कोशिश कर रहे हैं ये। उसमें से जो जैसे कल उन्होंने कोर्ट में किया है कोशिश की है, वहाँ पर मैक्सिमम लोग जो कांग्रेस के लोग थे, और उनके क्लिप में भी आ रहा है हम तो पहले के थे, हमें क्यों पटका पहना रहे हैं, वो साफ सुनाई दे रहा है उसमें, तो उससे जब जाहिर है हमारा कोई पदाधिकारी है कोई हमारा कार्यकर्ता वो कल शामिल नहीं हुआ है, वो अपने लोगों को घुमा फिरा के
उन्हीं को टोपी पहना रहे हैं। माननीय यहाँ के विधायक राजेंद्र राणा जी द्वारा एक सड़क का उद्घाटन किया है, और जाना किसी के विभाग को पता है ना किसी की किसी को जानकारी है, खुद ही उन्होंने रिबन लगा के खुद ही उसका लोकार्पण कर दिया है। और अधूरी सड़क है अभी वो, अभी उसमें काफ़ी काम बचा हुआ है, अभी मोर देन 50 लाख का काम उसमें बैलेंस बचा, उसमें नालियाँ वगैरह बननी हैं, ड्रेन उसमें काफ़ी डंगे डूंगे लगने को हैं। और जो विधायक बोल तो मैंने अपने ये सड़क मेरे द्वारा बनाई गई है, तो मैं आपके ध्यान में जानकारी लाना चाहता हूँ, ये जो सड़क बनी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाई है, और माननीय हमारे विधायक श्री नरेंद्र ठाकुर जी जब यहाँ के विधायक होते थे उन्होंने MLA प्रायोरिटी में सड़क को डाला था। इस सड़क के लिए उस वक्त 2.47 करोड़ का सेंसन हुआ था, और ये भारतीय जनता पार्टी के टाइम इसके टेंडर हुए थे, और उसी कार्यकाल में सड़क बन रही है, और आनंद फान में उन्होंने कल इसका उद्घाटन कर दिया और श्रेय लेने की कोशिश कर रहा है जैसे वो अक्सर करते रहते हैं। तो मैं माननीय विधायक जी से ये कि